तो चलते हैं। गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लेसन थर्ड ऑफ क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी। द नेम ऑफ लेसन इज ड्रेनेज। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। बिफोर दिस टॉपिक वी डिस्कस्ड यस्टरडे द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो टुडे टॉपिक इज पेनिनसुलर रिवर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग ने कल पढ़ा था ड्रेनेज सिस्टम या रिवर सिस्टम, तो रिवर सिस्टम में मेनली टू टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम पढ़ा था हम लोगों ने। फर्स्ट पॉइंट था हिमालयन रिवर्स, जिनका मेन ओरिजिनेट प्लेस हिमालय से था, और कुछ रिवर्स जो हैं आपको इंडिया से होकर के बे बंगाल में मिलती हैं, तो कुछ रिवर जो थे पाकिस्तान वगैरह चाइना वगैरह होते हुए आपको आकर अरेबियन सी में या फिर बे बंगाल में गिरती हैं। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स। देखते हैं, आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 21 है। टॉपिक इज पेनिनसुलर रिवर्स। द मेन वाटर डिवाइड इज पेनिनसुलर। इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। यानी कि पेनिनसुलर रिवर्स में मेनली जो है आपको पश्चिमी घाट से जो रिवर्स फॉर्म होती है निकलती हैं, और वे नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा में होकर के वो फ्लो होती है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर सच एज, और ऐसे में पेनिनसुलर रिवर में मुख्य रूप से महानदी द गोदावरी द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इन टू द वेस्ट ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल। बेटा, ऐसे मुख्य रिवर्स जो है आपको महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है, ठीक है, गोदावरी है, जो कि आपको वेस्ट पेनिनसुलर रिवर के अंदर आती हैं। हम लोगों ने हिमालयन रिवर्स में देखा था गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सारे रिवर्स जो कहा था जो कि ट्रिब्यूटरी रिवर थी। तो दीज रिवर्स आर मेक डेल्टाज देयर माउथ। ये भी रिवर्स जो है अपने मतलब जहाँ रिवर्स जो है ओशियन में या सी में मिलती हैं वहाँ डेल्टा फॉर्म करती हैं। बेटा, आप लोग क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? रिप्लाई करो एक बार, यस या नो प्लीज। ओके, आप बुक भी देख रहे हैं? आप बुक देख रहे हैं कि नहीं? ओके, नेक्स्ट बेटा लाइन्स है। देर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। यानी कि वेस्टर्न घाट के पश्चिम में और सारे वाटर स्ट्रीम्स हैं, वाटर धाराएं हैं जो बहती हैं, जिनमें नाम है नर्मदा एंड तापी। बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ अभी, जस्ट सुनना आप लोग। नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक इंस्टीट्यूटीज द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज। यानी कि आता है कि नेम द टू रिवर्स विच फ्लो इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में गिरने वाली दो बड़ी नदियों का नाम, ये हमेशा किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आप याद रखना नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी ऐसी दो रिवर्स हैं जो आपको बे ऑफ बंगाल में न गिर करके आप कहाँ गिरती हैं? अरेबियन सी में। और हम अगर कंपेरेटिव करें हिमालयन रिवर से, तो पेनिनसुलर रिवर जो है छोटी होती है, लंबाई इसकी जो है छोटी होती है, क्योंकि हमारे कंट्रीज के मध्य भाग से महाराष्ट्र, गुजरात और जो आपका वेस्टर्न घाट है वहां से निकलती हैं और अरेबियन सी में गिर जाते हैं, या कुछ रिवर जो है वहां से टर्न लेकर के आपको बे ऑफ बंगाल में भी गिरती हैं। चलते हैं, देखते हैं हम लोग फर्स्ट रिवर नर्मदा रिवर के बारे में। द नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश। तो मैंने बेटा कल ही बताया था आप लोगों को कि रिवर्स का नेम उसके ऑरिजिन प्लेस यानी जहां से निकलती है, उसका टोटल लेंथ ऑफ द रिवर, उसके ट्रिब्यूटरीज रिवर्स सहायक नदियां, ये सब का लिस्ट बना देना, एक चार्ट बनाना, एक टेबल की तरह चार्ट बना देना, उसमें रिवर्स नेम, लेंथ ऑफ द रिवर, ऑरिजिनेट प्लेस और एरिया यानी कि स्टेट किस स्टेट से ज्यादा होकर के फ्लो होती है। तो इस तरह से अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपको कंपेरेटिवली याद करने में इजी होगा। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि नर्मदा रिवर रेज फ्रॉम अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल्स से जो है निकलती है। इट फ्लो टुवर्ड द वेस्ट ऑफ द रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग ऑन इट्स वे द टू सी
द नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चर्स क्यू लोकेशंस, यानी कि नर्मदा जो है बहुत सारे यानी कि अट्रैक्टिव पिक्चर्स को फॉर्म करते हुए ये फ्लो होती है। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लो थ्रू अ डीप गॉर्ग, और ये डीप गॉर्ग ये बनाती है। राजमान गर्व क्या होता है कि दो पहाड़ियों के बीच में जब रिवर्स फ्लो होती है तो एक डीप पोजिशन को क्रिएट करती है, उसी को गर्व बोलते हैं। मैंने कहा वो कल फिगर में दिखाया था। एंड द दुल्लापुर दाऊद दाऊद धाउदार फॉल्स, एक फॉल्स का नाम है जहां से वाटर ऊपर से फ्लो होता है, उसका नाम दिया हुआ है। वेयर द रिवर प्लाव ओवर द स्टॉप स्टीप रॉक्स एंड सम नोटेबल वंस, ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा वेयर और वेरी शॉर्ट, जो नर्मदा की सहायक नदियां हैं बहुत छोटी छोटी हैं, और एंड मोस्ट ऑफ दो ज्वाइंट्स मेन स्ट्रीम राइट एंगल्स, और नर्मदा में मिलने वाली जो नदियां हैं वो लगभग राइट साइड से मिलती हैं। ओके, द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एंड गुजरात, नर्मदा का मुख्य रूप से जो है गुजरात और मध्य प्रदेश में मतलब इसका मेन पार्ट्स है। तीसरी नर्मदा रिवर, उसी प्रकार आपको दिया है तापी बेसिन के बारे में, गोदावरी के बारे में दिया है, महानदी के बारे में दिया है और कावेरी के बारे में दिया है। तो आप लोग वन बाय वन सबको बारे में पढ़ लेंगे। गोदावरी जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट रिवर्स है, इसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, और इसकी लंबाई जो है नियर अबाउट 1500 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है, ये भी पेनिनसुलर रूप से है और ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ओके, और इसको आप लोग देख लेना, और ये बे ऑफ बंगाल में आ गिरती है। ओके, तो मेनली आपको तापी या नर्मदा ही दो नदियां हैं जो आपको वेस्टर्न पेनिनसुलर रिवर जो है वो आपको अरेबियन सी में गिरती हैं। तो आप इसको देख लेना, और ये जो रिवर्स है लगभग ये गुजरती है आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, और इसमें कई सारी नदियां जो है इसमें आकर के मिलती है, जैसे पूर्णा, द वर्धा, परनहिता, द मंजरा एंड द विंग विंग गंगा एंड पेंग गंगा, ये जब रिवर्स है उसमें आकर के इसमें मिलती हैं। और ये दक्षिण गंगा में सबसे लंबी रिवर्स है पेनिनसुलर रिवर्स में, इसलिए इसको साउथर्न दक्षिण गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट है महानदी, द महानदी रेज इन द हाईलैंड ऑफ द छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती हैं और ये उड़ीसा पहुंचती है, बे बंगाल में आकर के गिर जाती हैं, और इसकी जो लेंथ है बेटा 860 किलोमीटर है। कितना है? 860 किलोमीटर है, और ड्रेनेज बेसिन शेयर्ड बाय द महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, उड़ीसा में आकर के गुजरती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको महानदी था। उसी प्रकार आपका कृष्णा बेसिन भी है, राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर एट द कृष्णा फ्लो एट अबाउट 1400 किलोमीटर, यानी कि कृष्णा रिवर्स की जो लेंथ है वो नियर अबाउट 1400 किलोमीटर है, और वो लास्ट में बे ऑफ बंगाल में आकर के मिल जाती है, गिर जाती है। अब इसकी जो हेल्पिंग रिवर्स है वह है तुंगभद्रा, द कोयना, द घाट प्रभा और मूसी एंड भीमा ऑफ द सम इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं, इसका आप इसको नोट मान लेना, आप लोग वन बाय वन नोट मान लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। और ये जो रिवर्स हैं मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में फ्लो होती हैं। ओके, नेक्स्ट है कावेरी बेसिन। तो कावेरी बेसिन, कावेरी रिवर्स भी भागीरथ ब्रह्मगिरी रेंज यानी श्रृंखला जो है माउंटेन्स का वेस्टर्न घाट से होकर के गुजर निकलती है, और ये वेस्ट बे ऑफ बंगाल में आपको गिर जाती है। ठीक है, और ये आपको तमिलनाडु में गिरती है। टोटल लेंथ जो है इस रिवर का, दैट मीन्स कावेरी का, 760 किलोमीटर है, और इसका मेन जो है ट्रिब्यूटरी जो है यानी सहायक नदियां जो है अमरावती है, भागवनी है, हेमावती है एंड काबिनी है, यानी कि इसकी हेल्पिंग रिवर। इसका भी नाम लिखना कि ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से रिवर्स का लिस्ट बना देना आप लोग। और इसका मेन जो है ड्रेन्स जो है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में बहती है। ओके, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे यहाँ पर लेक्स के बारे में दिया है। अभी तक ने हमने रिवर्स के बारे में देखा कि रिवर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और इसके अलावा और सारे रिवर्स भी हैं जिसका नाम आपको जिक्र नहीं दिया है, जैसे दामोदर रिवर्स है, ब्राह्मणी रिवर्स है, बैतरणी रिवर्स है एंड द सुबर्णेखा, जो बहुत सारी एग्जांपल्स के रूप में है। तो आप इसको भी नोट करना, और ये आप पता लगाना नेट से कि ये रिवर्स
का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है, किस स्टेट में होकर कि ये फ्लो होती है और कहाँ जाकर के फॉल्स होती है। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, एक तरह से आप लिख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है लेक्स। बेटा लेक्स भी क्या करता है कि ये लेक्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि लेक जो होते हैं आपका एक तरह से कह सकते हैं कि ये मेंटेन करते हैं वाटर बॉडीज को, जो ड्रेनेज पैटर्न होता है इसके लेक्स कई सारे इंपॉर्टेंट्स भी है, कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। तो हम वन बाई वन देखने का काम करेंगे कि लेक्स क्या करता है और आपको लेक्स की क्या इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में है। बेटा मेनली इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म, अगर हम जम्मू कश्मीर में जाएं तो वहाँ एक से एक आपको लेक देखने को मिलेंगे और उसकी लेक की वजह से वहाँ की जो ब्यूटी है वो और ही इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, अगर लेक ना हो और हम कल्पना कर जाएं और लेक ना हो या लेक जो है सूखा पड़ा हो तो उसकी जो ब्यूटीनेस है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाती है। जो कहें कि लेक्स जो है अलग अलग इसमें लेक्स दिया हुआ है तो आप लोग देखना इसको। हाँ, तो इंडिया हैज मेनी लेक्स, दीज आर डिफर फ्रॉम ईच अदर साइज एंड अदर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देख रहा हूँ पेज नंबर हम 22 का फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड लाइन का। मोस्ट लेक आर परमानेंट सब कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन लाइक द लेक ऑफ द बेसिन्स इन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड। यानी कुछ बेटा लेक्स होती हैं जो कि मंथ के कुछ ही महीनों में पानी रह पाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन में, और कुछ होते हैं परमानेंट लेक होते हैं जो कि माउंटेन एरिया में होते हैं, जहां से कि लॉफ्टी माउंटेन जो है उसका जो आइस है मेल्ट होकर के उसमें पानी जो है बराबर रहता है। तो ऐसे रिवर को बोलते हैं परमानेंट लेक्स, लेक्स को, और जो रेनी सीजन में वाटर रिसीव करता है वैसे को बोलते हैं आपको सीजनल लेक्स। सम ऑफ देम आर लेक आर विच रिजल्ट एक्शन, इसमें कुछ जो है नेक्स्ट है द मेंडरिंग रिवर्स अक्रॉस द फ्लॉट, ये फ्लड को भी कंट्रोल करता है। कुछ जो है ऑक्स बो लेक होते हैं जिसके मैंने कल फिगर में आपको दिखाया था कि जब रिवर अपने वेग को चेंज कर देती है तो उसमें ऑक्स बो लेक बन जाते हैं, जिसमें आपको उसके अकॉर्डिंग जो बने हुए लेक्स का नाम है आपको चिल्का लेक, पुलिकॉट लेक एंड कोलोरू लेक। लेक्स आर रीजन्स ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज ऑफ समटाइम्स सीजनल, फॉर द एग्जाम्पल जो सीजनल रिवर्स होती हैं उसमें सांभर लेक है राजस्थान में जहां से साल्ट बनेगी। इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है विच लेक आर यूजफुल फॉर मेकिंग अ साल्ट, साल्ट बनाने के लिए कौन सा लेक यूज होता है, तो सांभर लेक। ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। कहाँ पर है, रिप्लाई में विच लेक्स इज यूज, हाँ विच लेक इज यूज टू मेकिंग साल्ट, साल्ट बनाने के लिए सांभर लेक जो है उसी ओके बेटा। उसके अगर और सारे लेक्स जो है जो ग्लेशियर से होकर निकलते हैं, जिससे हुडर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, और कंट्रास्ट इन द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी लार्जेस्ट वाटर लेक डल्ज, जो वुलर लेक है सबसे इंडिया में फ्रेश वाटर लेक का वो एग्जाम्पल में आता है, डल लेक, बैताल, भीमताल, नैनीताल, कोकटॉक, ये लेक्स जो है आपको इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर का लेक है। लेकिन सबसे लार्जेस्ट लेक ऑफ द फ्रेश वाटर कौन सा है, वुलर लेक, कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल लेक्स डैमिंग, कुछ बेटा नेचुरल लेक्स होते हैं, कुछ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग लेक्स यानी कि ह्यूमन मेड। जैसे मान लीजिए कहीं रिवर पे डैम बनाया गया तो डैम की जो अपर पार्ट होती है वहां जहाँ वाटर स्टोर होता है तो भी एक तरह से लेक का ही रूप ले लेता है, वो भी एक तरह से लेक का रूप ले लेता है, उसको बोलते हैं आपको नेचुरल लेक नहीं, उसको बोलते हैं ह्यूमन लेक या फिर उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक। जैसे आपको भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है वहां पर एक भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट से जो बांध बने हुए हैं तो वहां पर भी बोलते हैं नेचुरल ह्यूमन लेक्स। ओके, तो लेक्स का व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक इन ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन में लाइफ लेक का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप यहाँ देखेंगे कि मानव के जीवन में जो है ये लेक्स जो है, लेक हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर, ये नदियों की बहाव को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल इट प्रिवेंट द फ्लोटिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जिससे क्या करता है जब जब अधिक रेनफॉल होता है माउंटेन रीजन में तो वाटर को स्टोर करता है ताकि निचले लेवल पे जो गांव या एरिया होते हैं वहां बाढ़ से बच जाते हैं, और ड्यूरिंग द ड्राई सीजन ये वाटर को रेगुलेट करते हैं।
तो एक तरह से रिवर्स को रेगुलेट करने में लेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेक कैन बी आल्सो यूज फॉर डेवलपिंग द हाइडल पावर। और लेक से क्या होता है कि हाइडल पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और वहां से जो वाटर रिसोर्सेस होते हैं जैसे इक्वाटिक लाइफ होती है, मछली पालन या और सारे जो होते हैं, नेचुरल ब्यूटी भी, ये वाटर की इंपॉर्टेंस है। तो आगे देखते हैं कि रोल ऑफ द रिवर्स इन द इकोनॉमी नेक्स्ट पॉइंट है। तो इकोनॉमी में रिवर्स का क्या रोल है बेटा, तो मैं बात करता हूँ कि इकोनॉमिक्स फिल्टर में जो रिवर्स है इस पर डैम बना करके लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, और वहां से इरिगेशन के लिए भी, नेविगेशन के लिए भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में रिवर का होता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है रिवर पॉल्यूशन। तो रिवर पॉल्यूशन बेटा ये नई टॉपिक नहीं है हमारे लिए, आपके लिए, तो आप लोग इसको देखना, चूंकि हम लोग देखते हैं कि रिवर्स में बहुत सारे वेस्टेज जो हम लोग फ्लो करते हैं, खासकर जो इंडस्ट्रीज की वेस्ट वाटर या वेस्ट मटेरियल हम लोग रिवर में फ्लो करते हैं, डेड बॉडी फ्लो करते हैं, इससे हम देखते हैं कि डे बाई डे हमारी वाटर की जो रिवर की जो वाटर है वो पॉल्यूट होती है, पहले सा प्योर नहीं है। तो इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्लान भी बना रखी है इस वाटर को प्योर करने के लिए, जैसे आपने देखा गंगा सफाई अभियान या गंगा सफाई आंदोलन है ना, स्वच्छ या कुछ ऐसे है। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत सारे प्लान्स बना रखे हैं इसको करने के लिए। तो आप लोग देखना, ये टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप लोग